फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वर्तिका और आज मैं आपके साथ फिर से कुछ लेकर आई हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड ऑब्वियसली शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं किस सीरम के बारे में बात कर रही हूँ। आज जिस सीरम के बारे में बात कर रही हूँ, इट्स अ लॉरियल सीरम जो लॉन्च हुआ है अभी 3 से 4 महीने पहले। मैंने इसे 2 मंथ्स पहले ही परचेस कर लिया था, बट मैं इसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर पाई बीच में। सो मैंने इसे इतना यूज़ किया, आप देख सकते हो। सो ये जो सीरम है, ये है लॉरियल पेरिस लेवाइटल क्रिस्टल माइक्रो एसेंस एंड स्मूथ प्लस रेडियंस इसका फुल नेम है। और ये सबसे पहले क्या रिकमेंड करता है और क्या क्लेम करता है, ये सब के पहले हम थोड़ा सा पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, ये सबसे छोटा पैक है, मैंने सबसे पहले छोटा लिया। मैं कोई भी चीज़ जब न्यू होती है, और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, उसका हमेशा जैसे अगर आपको मिले छोटा जो मिले तो उसी को यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको कैसा सूट करेगा, क्या सूट करेगा, हम कुछ कह नहीं सकते ना। तो ज़्यादा पैसे डालने की बजाय आप हमेशा छोटा, इसमें बड़ा भी है वो आई थिंक 700 या 800 ऐसे है, और उससे भी बड़ा है शायद वो 1400 या ऐसा कुछ, शायद कुछ है, 3 साइज में ही आते हैं। तो ये सबसे छोटा ही है। इसकी जो क्वांटिटी है, इट्स अ 22 ml इसकी क्वांटिटी है। और इसकी जो ये पैकेजिंग है, ये प्लास्टिक पैकेजिंग है, ग्लास नहीं है। इस तरीके से जब हमें दिखता है तो लगता है कि ग्लास है, बट ग्लास नहीं है। और पैकेजिंग इसकी बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये है 250 rupees का, जैसे छोटा सा है 250 rupees का है। और थोड़ा सा मैं इनकी अब नेक्स्ट बात करूँ कि क्या क्लेम करता है। ये क्लेम करता है कि आपकी स्किन को स्मूथ बना देता है, सप्पल बना देता है, रेडियंस बना देता है। तो ये सही क्लेम करता है, ये आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, सप्पल बनाता है। जब मैंने इसे यूज़ किया तो यूज़ करने के बाद मैंने 3 से 4 दिन बाद आपको डिफरेंस फील होगा किसी भी चीज़ में। 3 से 4 दिन बाद जब मैंने देखा तो मेरी स्किन बहुत स्मूथ हो रही थी फील करने में भी, और ग्लोई हो जाती थी जब मैं इसको अप्लाई करती थी, तो उसके बाद आपकी स्किन ग्लोई हो जाती है और स्मूथ होती है, सफल होती है। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे जब जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो नेचुरली भी ग्लो ऐड होता है। इसकी ये अच्छी बात है, मैंने इसे ट्राई किया है, सीरियसली मैंने ट्राई किया, तो मैं और इसे झूठ नहीं बोलूँगी। और इसके क्या नेगेटिव साइड है मैं वो भी आपको ज़रूर बताऊँगी। पहले मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में मैं इसके बारे में बात कर लूँ। सो इसके बारे में मैं बात करूँ कि ये नॉन ऑयली नॉन ग्रीसी काइंड ऑफ है, मतलब ये आपको ये जो समर्स चल रहे हैं इसमें भी आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ये वाटरी एकदम इसका टेक्सचर है, कुछ इस तरीके का टेक्सचर है इसका, वाटरी टेक्सचर है, ऑयली टेक्सचर नहीं है इसका। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आप बिल्कुल, मतलब वाटर है बिल्कुल, ये आप देख सकते हो एग्जॉर्ब भी हो गया इतनी जल्दी, बहुत जल्दी एग्जॉर्ब हो जाता। तो ये जो क्लेम करता है वो तो सच है कि आपको स्मूथ और सफल बना देता है। और इसको कैसे यूज़ करते हैं, और इसे आपको मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम पे यूज़ करना है। आपको अपने हथेली पे से 4 से 5 बूंद जैसे हम सीरम लेते हैं वैसे आपको लेना है, आपको रफ करना है एंड आपको उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करना है फेस वॉश करने के बाद। और उसके बाद चाहें तो आप अपना मॉर्निंग में अपना मॉइस्चराइजर और नाइट में अपनी नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद मैं फ्रेग्रेंस की बात कर रही थी। फ्रेग्रेंस इसकी थोड़ी सी हार्ड है, मतलब जब आप इसको अप्लाई करते हो तो जस्ट 1 सेकेंड के लिए आपको फील होती है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। तो ऐसा इरिटेटिंग नहीं है। हाँ, बट अल्कोहलिक है, तो थोड़ा सा अल्कोहलिक की स्मेल है, और ये अल्कोहलिक है और इसमें बहुत सारे अल्कोहलिक वो लिखे हुए हैं, मतलब ये पैराबेन मिनरल ऑयल फ्री प्रोडक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हुए हैं, ये इसका माइनस पॉइंट मैं कहूँगी। अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं तो शायद आपको थोड़ा सा रिग्रेट फील हो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा इस तरीके के प्रोडक्ट कम पसंद है, मैं कम पसंद करती हूँ। तो ये था इसका रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको इसका। वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, वैसे आजकल कुछ साइट्स खुल भी चुकी हैं, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, और इस समर्स में आपको इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अच्छा आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।